वेलकम टू द ब्लॉग। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं रेवदांडा फोर्ट के लिए। रेवदांडा फोर्ट अलीबाग बीच से ऑलमोस्ट 18-19 किलोमीटर है। तो हम लगभग पहुंचने वाले हैं यहाँ से, कुछ 9-10 किलोमीटर बचा है, हाफ ऑफ द वे हमने कवर कर लिया है। तो गाइज अब आपसे मुलाकात होगी रेवदांडा फोर्ट पे, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पर मेरे यानी कि नरेंद्र के साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस फिलहाल हम आ गए हैं रेवदांडा फोर्ट पे। हमने रात को स्टे किया था अलीबाग बीच के पास और वहाँ से रेवदांडा फोर्ट था कुछ 18 किलोमीटर। तो अभी के लिए हम पहुँच गए हैं रेवदांडा फोर्ट। मेरे पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा सात खाने बुर्ज। तो अभी जाएंगे रेवदांडा फोर्ट के अंदर और देखेंगे क्या कुछ है रेवदांडा फोर्ट में। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सीधा अलीबाग बीच पे। तो चलिए देखते हैं रेवदांडा फोर्ट में क्या है। तो गाइज अभी हम खड़े हैं रेवदांडा फोर्ट पे। मेरे पीछे जो आपको टावर दिख रहा है ये है रेवदांडा फोर्ट का टावर। तो लोकल लोगों का बोलना है कि ये जो है सिर्फ फोर्ट का एक पार्ट है, बाकी जो पुराना फोर्ट है उसको अभी गांव वालों ने टेक ओवर कर लिया है। गांव वाले उसको यूज़ करते हैं अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना के। तो गाइज बात करते हैं रेवदांडा फोर्ट की। रेवदांडा फोर्ट को 15th सेंचुरी में पुर्तगालीज ने बनवाया था, उसके बाद 18th सेंचुरी में इसको मराठास ने टेक ओवर कर लिया। देन 1856 में रेवदांडा फोर्ट फाइनली चला गया ब्रिटिशियर्स के अंडरटेकिंग में। अब जो भी यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ रेवदांडा फोर्ट के रुइंस हैं। यहाँ से एकदम नज़दीक में बीच हो जाता है, अरेबियन सी के वेव्स का साउंड आप क्लियरली यहाँ खड़े होकर सुन सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे रेवदांडा बीच पे और देखेंगे बीच का हाल। तो गाइज अब हम आ गए हैं रेवदांडा फोर्ट के पास रेवदांडा बीच पे। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है बीच, ये है पूरा रेवदांडा बीच। काफ़ी दूर तक फैला है उस साइड, लेकिन इस तरफ ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रही है ये है रेवदांडा फोर्ट की बाउंड्री, और बाउंड्री से लगा के है रेवदांडा बीच। तो गाइज अभी हाई टाइड्स है और
थोड़ी देर में पानी वॉल के एकदम नज़दीक तक चला जाएगा। मेरे पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक के पूरे एरिए को रेवदांडा बीच कहा जाता है। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे अलीबाग जाने के लिए, क्योंकि हाई टाइड्स है और ज़्यादा देर यहाँ रुकना सेफ भी नहीं है। तो हम निकलेंगे अलीबाग के लिए, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए वेव्स के कुछ सिनेमैटिक वीडियोज़।